गुड मॉर्निंग एवरी वन. आई टीच इन समवित शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर. आज हम विषय हिंदी व्याकरण में पाठ एक भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे. भाषा हिंदी व्याकरण में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है. भाषा के द्वारा ही हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं. आज हम अब भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे. पाखी ने अपने मोबाइल में SMS लिखकर रीना को उसके जन्मदिन की बधाई दी. रीना ने उस SMS को पढ़कर पाखी को धन्यवाद दिया. इस तरह हम अपने भावों को बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर प्रकट करते हैं. अतः हम कह सकते हैं कि ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं, वह भाषा कहलाती है. भाषा के रूप यानी कि प्रकार. भाषा के दो रूप होते हैं. नंबर एक मौखिक भाषा, नंबर दो लिखित भाषा. अब यहाँ हम थोड़ा सा मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में समझेंगे. मौखिक भाषा जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यानी कि आपस में मौखिक रूप से बात करना. लिखित भाषा इसमें भी इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यानी कि भाषा को लिखकर हम एक दूसरे तक पहुँचाएँ, वह भाषा का लिखित रूप माना जाता है. अब हम नंबर एक मौखिक भाषा को अच्छे से जानेंगे. मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं. जैसे इस चित्र में समझाया गया है. सीमा, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी? कल मुझे बुखार था इसलिए स्कूल नहीं आई थी. निशा, तुमने शेर और चूहे वाली कहानी लिख ली? अभी नहीं, मैं कहानी लिखकर तुम्हें ईमेल करूँगी. अब ऊपर दिए गए चित्र में सीमा और निशा बोलकर तथा सुनकर अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुंचा रही है. अतः ये भाषा का मौखिक रूप है. मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है. अब हम नंबर दो लिखित भाषा के बारे में जानेंगे. लिखित भाषा जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं. जैसे निशा अपने दोस्त सीमा को कहानी लिखकर ईमेल करती है और निशा वह कहानी पढ़कर खुश होती है. यहाँ पर सीमा और निशा लिखकर तथा पढ़कर अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुंचा रही है. अतः ये लिखित भाषा है. लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है. धन्यवाद.